अपन सब लोग स्वादिष्ट भोजन मिले तो उसको बहुत एंजॉय करते हैं, और अच्छा भोजन जब मिल जाता है उसके बाद यदि एक तश्तरी भर के खीर मिल जाए तो वाह 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 क्या स्वाद है। अपनी हिंदी सभा में प्रभु ने इन लोगों को भेजा, इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। इनके ग्रुप सॉन्ग को हम सब ने बहुत एंजॉय किया है ना, इनसे उम्मीद करेंगे कि इस तरह से बार बार केरल आएँ और हमारा उत्साह बढ़ाए। आज फिर से प्रभु ने अपन सबको इस तरह का मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। भाई अतुल्य और परिवार का हम सब हार्दिक स्वागत करते हैं। अब प्रभु के वचन के लिए भाई अतुल्य को मैं पुलपिट सौंप रहा हूँ। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। मेरे लिए वास्तव में बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के साथ थोड़ी देर कुछ संगति करने का मौका मिला, और साथ ही साथ परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया है, जो सारी सृष्टि का बनाने वाला है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसके चरणों में बैठकर उसके पवित्र ग्रंथ से, बाइबल ग्रंथ से हम कुछ बातों को सीख सकते हैं। जब भी हम बाइबल ग्रंथ से पढ़ते हैं, हमें इस बात को जानना है कि ये साधारण पुस्तक नहीं है, परंतु स्वयं परमेश्वर जो इस किताब के लेखक हैं, इस ग्रंथ के लेखक हैं, वो इस वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये किसी मनुष्य की कल्पना नहीं है कि मनुष्य के मन में कुछ आया और उसने लिख दिया, परंतु बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की श्वास से यह रचा गया है। जिन बातों को परमेश्वर चाहते थे कि आप और मैं और संसार में जन्म लेने वाला हर इंसान जाने, उन बातों को परमेश्वर ने भक्तों को, अपने चुने हुए भक्तों को प्रकट किया, ताकि उन बातों को भक्त लोग परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हुए जैसा परमेश्वर चाहते हैं, बिना कोई गलती के उन बातों को लिखकर हम तक वे लोग पहुंचा सकें। और इस किताब के बारे में एक भजनकार, भजन बनाने वाले, वो लिखते हैं, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहान को दिया है, सारे संसार को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम। और एक जो गीतकार है वो लिखता है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इसका मतलब कुछ किताबें हैं जिन किताबों को परमेश्वर ने लिख कर दिया है, वो किताबें एक दिन खुलेंगी जिस दिन हम सब का हिसाब भी होगा। लेकिन प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं कि वो जो इंसाफ का तराजू प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हो, इसके पहले हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मालिक, अपने जीवन का कर्ता, अपने त्राणकर्ता, अपने उद्धारकर्ता के रूप में हम लोग स्वीकार कर लें। और इसलिए परमेश्वर जो हैं वो हमें ये अवसर प्रदान करते हैं। ये सौभाग्य यहाँ पर बैठे हुए हम में से बहुत जन का है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, हमने निमंत्रण दिया, उसके अनुग्रह से हमने उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाया। और प्रभु सबको वो अवसर देते हैं कि हम भी उनके द्वारा दिए गए अवसर का पूरा पूरा लाभ उठा सके, है ना। और इसलिए प्रभु ने आज हमें एक अवसर दिया है। जॉनसन भैया जैसे बता रहे थे, करीब करीब 2 साल होने वाले हैं, और बड़े प्रार्थना के साथ, बड़े परिश्रम के साथ इस प्रकार से हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं, कुछ उड़िया भाषी हैं, हो सकता है कुछ आसाम वाले होंगे, है ना, अलग अलग, लेकिन हिंदी बोलने समझने वाले हमारे जो प्रियजन हैं, उन लोगों को भी केरल प्रदेश में रहते हुए इस बात का लाभ मिल सके कि वे लोग भी
प्रभु यीशु मसीह कौन है, इस दुनिया में क्यों आए और वो हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, इन बातों को हम लोग भी अच्छे से प्रभु की कृपा प्रभु की दया से हम जान सकें। मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में समस्याएं तो हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि मेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं है। कोई ऐसा कह सकता है? नहीं कह सकता। जब भी हम किसी इंसान के चेहरे को देखते हैं समझ में आता है कि ढेर सारी चिंताएं ढेर सारी समस्याएं इसके विचारों और इसके जीवन में चल रही हैं। बहुत ही कम समय बहुत ही कम लोगों को देखने के लिए मिलता है उनके मुस्कुराते हुए चेहरे, है ना। अधिकांश समय उदासी और चिंता में निकल जाता है। हो सकता है हम भी यहां पर बैठे हों किसी बात को लेकर उदास, चिंता, है ना, परिवार की चिंता, काम की चिंता, आगे भविष्य की चिंता, बहुत सारी बातें हैं। और अभी हम लोग उस गीत को गा रहे थे, है ना, गीतकार ने भी बहुत सुंदर लिखा है कि हमारे जीवन के इस सफर में हजारों मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर उस परमेश्वर के हाथ को हमने थामा है जो सारे संसार को अपने नियंत्रण में रखने वाले परमेश्वर हैं, जो कहते हैं तुम्हारे सिर के बाल भी मैंने गिनकर रखा है। कोई है इस दुनिया में ऐसा कहने वाला? कोई नहीं। और उसके इजाजत के बिना हमारे सिर का एक बाल भी गिर टूट के नीचे नहीं गिर सकता, इतना वो महान परमेश्वर है जिसके नियंत्रण में सारी चीजें हैं। और उस प्रभु के बारे में जिसके विषय में हम यहां पर सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बारे में बाइबल बताती है, ग्रंथ बताता है कि वो अपने वचन की सामर्थ्य से, जिस वचन की सामर्थ्य से उसने सारे संसार को बनाया, उसी वचन के सामर्थ्य से वो संसार की सारी चीजों को अपने नियंत्रण में रखता है। कितनी अद्भुत बात होती है ना। आज हम देख रहे हैं हमारे हमारे देश को भी, है ना, अपने नियंत्रण में रखना कितना मुश्किल है, कितनी परेशानियां आती हैं। परिवार चलाने वाले जानते हैं परिवार को, बच्चों को अपने नियंत्रण में रखना, है ना, कितना परेशान है। लेकिन वो एक परमेश्वर है जो सारी चीजों को, ब्रह्मांड की सारी चीजों को, इस संसार की सारी चीजों को अपने वचन अपने शब्द के सामर्थ्य से संभाल कर रखता है, है ना। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दे पाऊंगा, बस एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी दूरी जो सूर्य से है, यदि ये दूरी थोड़ी सी भी दूर हो जाए तो हम इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह सकते। ये पृथ्वी अगर सूर्य के थोड़ी सी भी करीब आ जाए, परमेश्वर ने जो निर्धारित किया है वहां से, तो ये पृथ्वी भी ऐसे नहीं रह सकती जैसे अभी है। देखिए परमेश्वर ने कितना सुंदर, है ना, नाप तौल करके सारी चीजों को, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, उसने सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से नियुक्त करके रखा है। और हमारे लिए कितने धन्यवाद की बात है, प्रभु को धन्यवाद देने की बात है कि वो परमेश्वर हमारी भी चिंता करते हैं। एक राजा जिनका नाम दाऊद राजा है, इज़राइल के राजा थे वो, उन्होंने कहा कि परमेश्वर जब मैं तेरे द्वारा रचे गए सूर्य को, चंद्रमा को, तारों को, इन चीजों को देखता हूं, इतने महान, इतने बड़े, इतने शक्तिशाली, तो आदमी क्या है, इंसान क्या है कि आप उसकी चिंता करें, आप उसको देखें, आप उसको संभालें, आप उसकी जरूरत को पूरी करें। क्या है इंसान? मिट्टी का पुतला है, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों से बढ़कर परमेश्वर जो है वो इंसान की चिंता करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर इस संसार के सारे लोगों से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर को मालूम है कि इंसान जिस परिस्थिति में
अभी पड़ा हुआ है, यदि उसी परिस्थिति में उसको छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए उस परमेश्वर से, पवित्र पिता परमेश्वर से वो दूर चला जाएगा। परमेश्वर इस बात को जानते हैं, हर मनुष्य की यह समस्या है। एक बार हम लोग अभी यात्रा कर रहे थे तो देखे हर जगह, जहां भी देख रहे हैं पानी ही पानी है, है ना? हमारे गांव में भी कुछ नदियां हैं और एक बार क्या हुआ, बहुत बारिश हुई और बारिश होने के कारण से ढेर सारा पानी जो है वो नदी में आ गया, डैम का पानी भी छोड़ दिए, है ना? नहीं तो क्या होता है, बांध भी फूट जाते हैं, कभी कभी इतनी बारिश होती है। तो क्या हो गया, जब ऐसे छोड़ दिए तो आसपास के, नदी के आसपास के जो गांव थे वो गांव भी डूबने लगे, है ना? हम लोग आए हैं उत्तर भारत से, हम लोग जानते हैं जो नदी के पास में रहते हैं, है ना, नदी जंगल के पास में। तो क्या होता है, जैसे ही पानी पूरे गांव को, लोगों को, सामान को, घर को सब बहा के ले जाते हैं, कुछ लोग रहते हैं जो जाके बचाने की भी कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों को हम कम से कम बचा लें, पुल के पास में जाएंगे, किनारे में जाएंगे कि कोई बहते हुए आ रहा है तो उसको बचा लें। तो उस गांव में एक बढ़िया पहलवान था, है ना, हमारे उधर क्या बोलते हैं, दादा, ठीक है ना, एक दादा था। तो वो क्या करता था, लोगों को बचाने की तो चिंता कम रहती थी, कोई भी सामान बहते हुए आ रहा है तो उसको कोई नहीं छूना है, उसको मैं निकालूंगा। और वो क्या करता था, कोई भी सामान आएगा कूद जाएगा, लेगा, निकाल के अपना रख लेगा, है ना। अब ऐसे होते होते क्या हुआ, एक बार एक काले कंबल के समान कोई एक चीज जो है बहते बहते आ रही है। वो सोच रहा है, अरे बहुत बढ़िया, शायद मिलिट्री का कंबल होगा, बोल के, है ना, बह के आ रहा है। देखा, सबको बोलता कोई मत छूना उसको, है ना, उसको मैं लूंगा। और जब वो दूर में ही वो काली काली चीज दिख रही थी, वो क्या किया, कूद गया नदी में और जाके उसने क्या किया, तैरते तैरते उस काली हुई चीज को पकड़ लिया। अब लोग देख रहे हैं, लेके आएगा तो देखेंगे ये क्या है बोल के, लेकिन वो उसके साथ बहते 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 आगे जा रहा है। अचानक से लोग देखे, अरे ये तो भालू है। अब वो चिल्ला रहा है, हाथ उठा के, बचाओ 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 बचाओ। लोग क्या बोलते हैं, अरे उसको छोड़, तू उसको छोड़ के भाग के आ जा वापस। ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, मैं तो इसको छोड़ दिया हूं लेकिन ये मुझको नहीं छोड़ रहा है। मेरे प्रियो, हम सबके जिंदगी में एक ऐसी बात है कि हम छोड़ना चाहते हैं, उससे आजाद होना चाहते हैं, लेकिन उससे छुटकारा कोई भी नहीं पा सकता, अपने प्रयास से वो नहीं पा सकता। और उसी प्रयास में हम क्या करते हैं, हाथ पैर पटकते हैं, है ना, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन उससे छुटकारा हमें नहीं मिलता। जैसे वो व्यक्ति प्रयास भी किया, वो उसको छोड़ दिया, लेकिन वो भालू उसको नहीं छोड़ा और अंत में उस मनुष्य को, उस इंसान को डूब के मरना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी। ये तो था उसका, है ना, शारीरिक मृत्यु। लेकिन परमेश्वर बताते हैं एक और खतरनाक मृत्यु है, दूसरी मृत्यु जो नरक के आग की झील है, जहां मनुष्य तड़फता तो रहता है लेकिन कभी भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। परमेश्वर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, हर इंसान जो है वो अपने आदि माता पिता से उस पाप के स्वभाव को लेके आ गया है, जकड़ा हुआ है, छूटना चाहता है, चिल्लाता है, मैं निकलना चाहता हूं, मैं बचना चाहता हूं, कौन मुझको बचाएगा। लेकिन मनुष्य अपने प्रयास या अपने कर्म से, सत्कर्मों से
वो कभी भी पाप के बंधन से, पाप की गुलामी से वो आजादी को नहीं पा सकता। और क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और इसलिए पवित्र परमेश्वर के साथ पापी लोगों का मिलना जुलना यह भी संभव नहीं है। इस बात में परमेश्वर बाइबल में समझाते हैं कि परमेश्वर जो है वो ज्योति है, जहां ज्योति है वहां कभी भी अंधकार नहीं आ सकता। ज्योति नहीं रहेगी तो अंधकार आएगा, लेकिन जहां ज्योति है वहां अंधकार कभी भी नहीं आ सकता। उसी प्रकार प्रियो, वो पवित्र परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हैं, जिसकी पवित्रता के बारे में परमेश्वर के द्वारा बनाए गए स्वर्गदूत उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी पवित्रता का बखान करते हैं, उस पवित्र परमेश्वर के पास हम पापी लोगों का पाप के स्वभाव के साथ उसके सामने जाना असंभव है। और इसके लिए देखिए, एक बहुत ही बड़ा प्रकांड है ना, ज्ञानी जो प्रयास कर रहा है कि कौन उसको इस मृत्यु की देह से छुटकारा देगा, कौन उसको उस नरक के दंड से छुटकारा देगा, वो यहां पर एक भाग हम पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री और उसका 7वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय उसके 24वें पद के अंतिम भाग को मैं पढ़ना चाहूंगा, 24 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा, है ना। ये एक बहुत बड़े एक दार्शनिक व्यक्ति हैं जिनको बाइबल में हम प्रेरित पौलुस के नाम से जानते हैं, जो पहले यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को बहुत ही सताते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाके अब वो प्रभु की सेवा करने लगे, प्रभु के सेवक बन गए। उन्होंने बाइबल में नए नियम में पत्रियां लिखी, चिट्ठियां लिखी, कलीसियाओं को लिखी, विश्वासियों को लिखी, है ना। और उस पत्री में एक पत्री जिसका अध्ययन आप लोग कर रहे हैं, शायद इस भाग को आप लोग कर भी चुके होंगे, उस पत्री में से इस भाग को प्रभु ने आज मेरे मन में दिया कि फिर से मैं आप लोगों के सामने रखूं। तो रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय और उसके 24 पद में यहां पर कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, है ना। जब वो देख रहा है, इसके पहले ऊपर के जब वचनों को हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस पाप के स्वभाव के साथ जो उसका अंतर्द्वंद हो रहा है, अंदर ही अंदर वो लड़ रहा है, उस बात को देखते हुए कहता है, अरे मैं जो चाहता हूं अच्छा करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, जो नहीं करना चाहता हूं मालूम है ये गलत है, मैं देखता हूं कि वही कर रहा हूं, मैं मेरे अंदर एक नई व्यवस्था काम कर रही है। भाई परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का नियम तो पवित्र है, बहुत सुंदर है, मैं करना भी चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे शरीर के अंदर में वो पाप की व्यवस्था जो है वो काम कर रही है, कौन मुझको उससे छुड़ाएगा। और इसलिए वो बोलता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। एक प्रश्न है मेरे प्रिय, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे देश में है ना, हम लोग जानते हैं ऋषि मुनियों का देश है, पंडितों का देश है ना, और बहुत ही अच्छा हम लोग वेदों की प्रार्थनाओं को भी स्कूल में लिखे हुए देखते हैं, कई स्कूलों में है ना वेदों की प्रार्थनाएं की जाती होंगी, आप लोग भी सुने होंगे, है ना, असतो मा सद्गमय, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल, है ना। इसका मतलब क्या है, हम असत्य में हैं इसलिए हमको सत्य की ओर जाने की जरूरत है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार में हैं, अंधकार जो है वो पाप को दर्शाता है, हमें ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर ले चल प्रभु। ये संतों की प्रार्थना है ना। और उसके बाद जो तीसरी पंक्ति में वो कहता है, मृत्यु मां अमृतगमय, मृत्यु के बंधन में है तू हमें उस अमृत जीवन की ओर, उस शाश्वत जीवन की ओर ले चल, क्योंकि यदि वो अमृत जीवन, वो शाश्वत जीवन हमें नहीं मिलेगा तो हमको हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में तड़पना पड़ेगा।
ऋषि मुनियों ने इस बात को कितना समझा यह तो हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि संसार को छोड़कर जाने के पहले हर इंसान इस बात को जान ले कि यदि उसके पाप का निराकरण इस पृथ्वी पर इस जीवन में नहीं हुआ तो उसे अपनी अनंतता जो है वो उस नरक के आग की झील में बिताना पड़ेगा। और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। और इसलिए उन्होंने इंतजाम किया। क्या इंतजाम किया? पाप की मजदूरी मृत्यु है। यह भी आप लोगों ने रोमियो की पत्री में अध्ययन किया है, ठीक है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप हमने किया है, एक तो वो पाप का स्वभाव हमारे अंदर है, उस स्वभाव को हम निकाल नहीं सकते। दूसरा, परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है उसके विरोध में हम काम करते हैं। परमेश्वर ने जो करने के लिए कहा उसे नहीं करते, जो नहीं करने के लिए कहा हम उसे करते हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव में पाप है। मन वचन कर्म के द्वारा हम वो काम करते हैं जो पवित्र परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और इसी कारण हमारी जो मजदूरी है, हमें जो मजदूरी मिलना है, हमें जो इनाम मिलना है, वह है मृत्यु। न सिर्फ शारीरिक मृत्यु, मैं शारीरिक मृत्यु को देहांत बोलता हूं, है ना? यह सिर्फ देहांत है, देह का अंत है। देह के अंत से मनुष्य का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, है ना? कई लोग सोचते हैं बहुत परेशानी है, क्या करें, चलो आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने से इंसान खत्म नहीं होता, सिर्फ शरीर खत्म होता है। इस बात को याद रखना है। आजकल जवानों में बहुत ज्यादा ये प्रवृत्ति हमको देखने को मिलती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अनंतता के लिए बनाया है। इस संसार का आज तक का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान सभोपदेशक की पुस्तक में कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अनंतता को डाला है। मनुष्य का अंत कभी भी नहीं होगा। यह मत सोचिए नरक में गए जल के खत्म हो गए बस खत्म, नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर जो अपने वचन में बता रहे हैं उन बातों को जानना हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है प्यारो। और परमेश्वर ने इन बातों को देखिए कितना सुंदर अपने वचन में स्पष्ट रूप से हमें बताया है, और उसे यहां पर आकर अध्ययन करने का, सीखने का, परमेश्वर की आवाज को सुनने का एक धन्य सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। तो परमेश्वर ने योजना बनाई कि मनुष्य कैसे उस पाप के बंधन से, पाप की गुलामी से, पाप के कैद से वो आजाद हो सकता है। और हम देखते हैं परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार कहता है बिना लहू बहाए या बिना बलिदान के पापों की क्षमा नहीं होती। इसलिए हम लोग देखते हैं, है ना, हमारे देश में कई प्रकार के बलिदान है ना। एक बार मैं उड़ीसा गया था भवानीपटना, तो बता रहे थे एक दिन बलिदान का रहता है। बोले सड़क में बिल्कुल लाइन से सब लोग लेके खड़े होते हैं और हर साल बलि चढ़ाते हैं। कोई मुर्गी का लेके आ रहा है, कोई बकरा का लेके आ रहा है ना, और बलि चढ़ाते हैं। खून जो है सड़क में वो नदी बन जाती है, इतना खून एक खून हो जाता है, लोग बलिदान चढ़ा रहे। क्यों? मैंने एक जन से पूछा तो उसने कहा भाई हमारे पाप कट जाएंगे, पशु के बलिदान से हमारे पाप कट जाएंगे। कहीं ना कहीं देखिए उनके मन में वो बात है कि हमने पाप किया है तो हमको निश्चित रूप से दंड मिलेगा, लेकिन वो दंड से बचने के लिए बलिदान चढ़ा देते हैं, है ना? तो क्या होगा, जो दंड हमको मिलना था वो दंड उसको मिल गया, अब वो दंड हमको नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को जल्दी से बताना चाहूंगा कि मनुष्य जब पाप में गिर गया तो परमेश्वर ने उसके लिए क्या उपाय किया, ठीक है ना? तो हमने देखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, ठीक है, और पाप की क्षमा अगर पाना है तो उसके लिए बलिदान
जरूरी है। यदि बलिदान नहीं दिया जाएगा तो मनुष्य को अपने पाप के कारण से मरना पड़ेगा। ठीक है, तो परमेश्वर ने जब आदि माता पिता आदम और हवा को बनाया है ना, उस बात को हम लोग जानते हैं। बाइबल बहुत ही अच्छे से इस बात को बताती है, उत्पत्ति के पहले अध्याय में कैसे बनाया सारी चीजों को इस बात को बताया गया है। दूसरे अध्याय में अच्छे से हम देखते हैं मनुष्य को कैसे बनाया, ठीक है ना। पहले अध्याय उसके 26 पद में 27 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, कि जैसे परमेश्वर सोचते हैं, परमेश्वर के पास ज्ञान है, इंसान के पास भी वैसा ही ज्ञान रहे, वो भी सोचने पाए, उसके पास भी बुद्धि रहे, समझ रहे उसके पास। दूसरी चीज, परमेश्वर प्रेम करते हैं, है ना, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो वो खुश होते हैं, परमेश्वर पाप से दुखी होते हैं, क्रोध करते हैं, ये है भावनाएं। वैसे ही भावनाएं परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर भी दी है। यदि मैं आप लोगों को कोई चुटकुला बताऊंगा और आप लोग हंसेंगे नहीं, ठीक है ना, तो भावना हमारे अंदर नहीं है। या हमारे घर में है ना कुछ दुर्घटना हो गई, किसी की मौत हो गई और हम लोग रो नहीं रहे हैं, ठीक है, हमारे अंदर क्या बोलेंगे, इसके अंदर कोई भावना नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमको भावनाएं भी दी हैं, और एक बात दिया है, परमेश्वर ने हमको इच्छा शक्ति दी है ना, या इसको सरल तरीके से हमारे अंदर एक इच्छा है, ठीक है। अगर मेरे सामने में पानी रखा है और जूस रखा है तो मेरी एक इच्छा है मैं क्या पीऊं, वो मेरी इच्छा है, ठीक है ना, मैं उस इच्छा का इस्तेमाल करते हुए मैं चुनता हूं। और परमेश्वर ने मनुष्य को एक नैतिक प्राणी कहकर बनाया है, वो जान रहा है क्या सही है और क्या गलत है ना। और परमेश्वर जैसे कलाकार है संसार को उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, इंसान को भी परमेश्वर ने कलाकार बनाया है। देखिए कितनी सारी चीजों को इंसान जो है वो बड़े अच्छे से बना लेता है। ये सारी बातें हैं जो मनुष्य को इस संसार में सिर्जे गए सारे प्राणियों से बिल्कुल अलग करते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। जो बातें परमेश्वर में हम देखते हैं उन बातों को, उन गुणों को सीमित रूप में हम इंसान के अंदर भी हम देखते हैं। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इच्छा शक्ति दी है, वो अपनी इच्छा का इस्तेमाल करके सही गलत का चुनाव कर सकता है, इसलिए मनुष्य जो है वो जिम्मेदार है। इसलिए मनुष्य जिम्मेदार है। इच्छा शक्ति को समझने के लिए या एक व्यक्ति को समझने के लिए मैं उदाहरण दूंगा। परमेश्वर ने मनुष्य को मशीन नहीं बनाया, मशीन बनाया क्या, नहीं बनाया ना, ठीक है, क्यों, पंखा घूम रहा है, लाइट गोल होगी तो वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो एक मशीन है, उसको दुख नहीं होगा कि अरे इतने सारे लोग यहां पर बैठे हैं अब मैं नहीं चलूंगा तो क्या होगा बोल के, ठीक है। बिजली का वायर अगर खुला हुआ पड़ा है, कोई बच्चा जाके छू दिया, ठीक है ना, जोर से करंट मारा, तो उसको खराब नहीं लगेगा बिजली के वायर को, अरे छोटा सा बच्चा था करंट लग गया, लगेगा क्या, नहीं, ठीक है। ये सारी ये शक्ति है ना, ये मशीन है, लेकिन मनुष्य के अंदर भावनाएं हैं, इच्छा शक्ति है, और परमेश्वर मनुष्य को उसके हर निर्णय के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जब उपाय किया तो उसको एक अवसर दिया कि वो अपनी इच्छा शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी भावनाओं का प्रयोग करते हुए वो सही निर्णय ले जो परमेश्वर चाहते हैं, ठीक है। और जब आदम और हवा पाप में गिर गए, परमेश्वर ने कहा था एक बगीचे में जितने भी फल लगे हुए हैं उनके फल को तुम बेखटके खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ है उसके फल को तुम लोग नहीं खाना, ठीक है। बाइबल बताती है जब हम लोग तीसरे अध्याय में आते हैं, है ना, तो शैतान जो परमेश्वर के द्वारा से एक स्वर्गदूत के रूप में बनाया गया था, लेकिन उसने परमेश्वर के विरोध में जब पाप किया तो परमेश्वर ने उसको अपनी सेवा से वंचित कर दिया, निकाल दिया उसको। यह शैतान जो है वो
आदम और हवा को आकर बहकाता है। तीसरे अध्याय में हम उस बात को देखते हैं। परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मुझसे अलग हो जाओगे। जिस संगति का आनंद तुम मेरे साथ ले रहे हो वो संगति का आनंद तुम्हारे जीवन में नहीं रह जाएगा, तुम मुझसे अलग हो जाओगे। लेकिन शैतान आकर कहता है नहीं 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 नहीं, तुम लोग बिल्कुल भी नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि अगर तुम लोग उस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। शैतान ने स्त्री को बहकाया, स्त्री ने फल को तोड़ा, जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था उसने खाया और अपने पति आदम को भी दे दिया। और उसके बाद से उन्हें पता चला कि अरे उन्होंने तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, और वे लोग अब परमेश्वर से भागने लगे, दूर भागने लगे। जब परमेश्वर आ रहे हैं मिलने के लिए, फल खाने के पहले वे लोग परमेश्वर के पास आते थे, बातचीत करते थे, मीठी संगति रखते थे, परमेश्वर की ज्योति में, परमेश्वर की महिमा में वे लोग रहते थे। लेकिन जैसे ही अनाज्ञाकारिता का पाप आया, अविश्वास, परमेश्वर के वचन पर अविश्वास का पाप आया, आदम और हवा उस परमेश्वर की संगति से भागने लगे। वो था पहला पाप जो हमारे आदि माता पिता के द्वारा हम सब में आया। और बाइबल इस बात को बताती है, रोमियो की पत्री में आप लोग अध्ययन किए होंगे, एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु ने सब लोगों पर राज्य किया। कोई नहीं बोल सकता कि मैं कभी नहीं मरूंगा। कोई बोल सकता है? इंसान मरता क्यों है? इसका उत्तर परमेश्वर बताते हैं, पाप जो है उसका कारण है। मनुष्य की मृत्यु सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं है, परंतु उसके अंदर जो आत्मा है, जो परमेश्वर ने दिया है, उसका हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर चला जाना, वो एक दूसरी मृत्यु है जिसका स्थान नरक की आग है। क्योंकि परमेश्वर जगत से प्रेम करते हैं, आपसे और मुझसे सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने एक उपाय किया। क्या उपाय किया? उस उपाय के बारे में परमेश्वर ने आदम और हवा को देखिए क्या बताया। ठीक है, जल्दी से उस पद को मैं पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय, हम यदि 8 पद से नीचे हम लोग पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि परमेश्वर जो है वो आ रहे हैं और आदम और हवा से मिलना चाहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर आ रहे हैं तो आदम और हवा पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, तो परमेश्वर जो है वो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। देखिए, जब हम लोग गलती करते हैं, ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है, चलो, है ना, अक्सर हमारे उधर बोलते हैं ना, भुगतने दो उसको, बोला तो था नहीं माना, भुगतने दो, बोलते हैं ना। लेकिन परमेश्वर जो है वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि हम अपने पाप के कारण, अपनी गलती के कारण हम भुगतते रहें। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो पवित्र परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। यहां पर हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि उसका क्या न्याय है, उसकी क्या व्यवस्था है, क्या सिद्धांत है, कि जो पाप करेगा उसकी सजा उसको मिलेगी, मृत्यु के रूप में मिलेगी। लेकिन परमेश्वर जो है वो पापी से प्रेम करते हैं, वो पाप से नफरत करते हैं। पापी से प्रेम करते हैं लेकिन पाप से नफरत करते हैं। हमारा भी, मनुष्य का भी यही स्वभाव है, ठीक है ना। हमारा बच्चा यदि चोरी कर लिया, ठीक है, तो चोरी जो है वो पाप है, चोरी करना पाप है, हमको अच्छा लगता है क्या? नहीं, हम बोलेंगे नहीं। लेकिन बच्चे से हम प्यार करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि हम अपने बच्चे के लिए जितना हो सके हम भला काम करेंगे ताकि वो सुधर जाए। ठीक वैसे जैसे एक डॉक्टर के लिए वो मरीज से तो प्यार करता है लेकिन उसकी बीमारी से लड़ता है,
ठीक है ना, मरीज को बचाने के लिए वो उस बीमारी से लड़ता है, वो उपाय करता है। परमेश्वर ने भी प्रियो सारे संसार से आपसे और मुझसे प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि में मनुष्य जो है वो सर्वोत्तम सर्वोच्च सृष्टि है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और समानता में बनाया। और इसलिए यहां पर परमेश्वर ने जो योजना उसके लिए बनाई मनुष्य के लिए, यहां पर उस बात को हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तीसरे अध्याय में मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, 14 पद के नीचे हम देखते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, शैतान जो सर्प के रूप में आकर उसने स्त्री को बहकाया था, उस सर्प से कह रहे हैं, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अब 15 पद को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कह रहे हैं सर्प से, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री और सर्प के बीच में, स्त्री का जो वंश होगा उसके और बोल रहा है तेरे बीच में, है ना, तेरे वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। वह, अब स्त्री के वंश को वह बोल के बोल दिया है, ठीक है ना, जो स्त्री का वंश होगा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। शैतान जो सर्प के रूप में बहकाने के लिए आया था, स्त्री का वंश सर्प को या शैतान के सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसका मतलब शैतान को जो स्त्री का वंश है उस पर शारीरिक प्रहार करने के लिए भी वो अधिकार है, वो कोशिश तो करेगा, लेकिन शैतान को पूरी रीति से नाश करने का अधिकार जो स्त्री का वंश होगा, है ना। अब देखिए, जब हम लोग पूछते हैं वंश बोल के, आप किसके वंशज हैं, तो हम लोग परदादा का, है ना, या पिताजी का, उनका नाम बताते हैं। लेकिन यहां पर आदम का वंश, पुरुष का वंश बोल के नहीं बोला, स्त्री का वंश। परमेश्वर जो है अपने उद्धार की योजना को यहां पर प्रकट कर रहे हैं। भले ही यहां पर सर्प के लिए श्राप है, लेकिन आदम और मानव जाति के लिए परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है, ठीक है। और उस बात को हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले कहा था आदम और हवा को, धोखा खा गए, परमेश्वर की बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के वचन पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, शैतान के वचन पर उन्होंने विश्वास किया, यह थी उनकी गलती। क्योंकि उन्होंने शैतान की बात पर विश्वास किया, परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना, ठीक है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ बात को कह रहे हैं, हमको विश्वास नहीं रहता, है ना। उड़ीसा में हम लोग बोलते हैं एंता नहीं होए बोल के, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे प्रियो, आदम और हवा भुगत गए और अब जान गए कि जो वचन परमेश्वर का है वो स्थिर है, जो परमेश्वर ने कहा है वही होगा, और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने में ही हमारी भलाई है, ठीक है। और जब परमेश्वर कह रहे हैं इस बात को, उन्होंने ध्यान से सुना, हां परमेश्वर इंतजाम करेगा, जिस शैतान ने हमको बहका के पाप में गिराया उस शैतान का नाश वो करेगा, वो स्त्री का वंश आएगा, और परमेश्वर की उस व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह स्त्री का वंश होकर इस पृथ्वी पर आज से 2000 साल पहले आया। यूहन्ना लिखता है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस धरती पर प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के काम को नाश कर दे। शैतान ने जो मनुष्य के जीवन में पाप को लाया था, उस कार्य को आरंभ किया था, उसको वो खत्म कर दे। और शैतान के द्वारा
उसकी एड़ी का डसा जाना, उसके शरीर पर प्रहार करना, यह भी परमेश्वर ने पहले से बता दिया था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर में ले लिया। यीशु मसीह क्योंकि संसार के पापों को अपने ऊपर में ले लिया था, क्रूस की मृत्यु को उसने हमारे लिए सह लिया। और उसका भी एक बहुत ही सुंदर चित्रण हम आगे देखते हैं मेरे प्रियो इसी अध्याय में। अब जब आदम और हवा ने परमेश्वर की बात पर विश्वास कर लिया, मान लिया, तो परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हवा तुम लोग जो अंजीर का पत्ता तोड़ के पहला धर्म शुरू कर दिए हो, अपने तौर तरीके से परमेश्वर के पास आने का वो काम आने वाला नहीं है, वो अलग करो अंजीर के पत्ते को। परमेश्वर ने उनके लिए एक चमड़े का अंगरखा बनाया, चमड़े का एक वस्त्र पहनाया। वो कहां से आया होगा वो चमड़े का वस्त्र, यहां पर स्पष्ट रूप से भले ही नहीं लिखा है मेरे प्रियो, लेकिन किसी भी जानवर, जिंदा जानवर से चमड़ा निकालते हैं क्या? नहीं निकालते। एक जानवर का बलि करके उसका वस्त्र निकाल के उनको पहनाया जाता है। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए अदन की वाटिका में जब वे भाग रहे थे इस अद्भुत काम को किया, और उस समय से आदम और हवा को समझा दिया कि हमने पाप किया, उस पाप के बदले हमको मरना जरूरी था, लेकिन हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक बलिदान किया, एक पशु को मरना पड़ा, एक जन को मरना पड़ा, इसलिए हम बच गए। आदम और हवा ने इस बात को समझ लिया। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के करीब 700 साल पहले यशाया नाम एक नबी ने कहा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। एक कुंवारी, प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में एक कुंवारी कन्या के द्वारा स्त्री का वंश होकर आएगा, उसके बारे में यीशु मसीह के इस संसार में आने के 700 साल पहले परमेश्वर ने यशाया नबी के द्वारा बता दिया। और वो घटना जब पूरी होती है, प्रभु यीशु मसीह कुंवारी कन्या के द्वारा इस संसार में आए, 35.5 साल तक वे इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के रहे, निष्पाप रहे, निष्कलंक रहे, निर्दोष रहे, उन्होंने वो वचन कहे जो परमेश्वर कहते हैं, उन्होंने वो कार्य किया जो परमेश्वर करते हैं, अंधों को आंखें देना, मुर्दों को जिलाना, आंधी और पानी को रोकना, अद्भुत काम उन्होंने किया जो कार्य से परमेश्वर करते हैं। पानी पर उन्होंने चलकर दिखलाया, 5,000 से ज्यादा लोगों को 5 रोटी 2 मछली से तृप्त किया, वे कार्य जो सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, वो कार्य जो है वो उनकी गवाही देते हैं, यही है परमेश्वर है, यही है मसीहा है, यही इंसान को बचाने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को तो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना बलिदान देना जरूरी था, क्योंकि बैलों और बछड़ों का, इस संसार के पशुओं का लहू बलिदान हमारे पाप को धो नहीं सकता। और यीशु मसीह ने हम सब के पापों को लेकर कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। और इतना ही नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा था 3 दिन के बाद फिर से मैं जी उठूंगा। जो जी उठा है उस पर पाप का कोई भी नियंत्रण या अधिकार नहीं है। और वो प्रभु कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए तो वो जिएगा, क्योंकि जैसे मैं मर के जी उठा हूं, मैं उसे भी जिला उठाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के इस अद्भुत इंतजाम को हम समझने पाए। पौलुस जो एक समय सताता था, वही लिखता है गलाती के 4:4 में कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो व्यवस्था के अंतर्गत अधीन उत्पन्न हुआ और स्त्री से उत्पन्न हुआ, बोल के स्त्री का वंश होकर संसार में आया। वही है हमारा मसीहा जो स्त्री का वंश होकर परमेश्वर के नियम, उसकी व्यवस्था के अनुसार इस संसार में आया, ताकि वो हमें अनंत जीवन दे सके। यदि हम उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, अपने पापों की क्षमा को पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हम अपना लहू बहाएंगे, पशु का लहू बहाएंगे, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है।
आज से 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस पर स्वयं परमेश्वर पुत्र ने अपने लहू को बहा दिया है ताकि हम उस पर विश्वास करें। और वो कहता है यदि तू उस पर विश्वास करे तो तू नाश नहीं होगा, तू नरक नहीं जाएगा, परंतु तू शाश्वत जीवन, अनंत जीवन पाएगा। प्रभु की ओर से ये निमंत्रण हम सबके लिए है, क्योंकि उसने अपने चेलों को कहा जाओ ये सुसमाचार सारी जातियों के लोगों को दो, और जो कोई विश्वास करेगा वो निश्चित रूप से उद्धार पाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे, जिन्होंने विश्वास किया है वो आनंद उनके अंदर में है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो आनंद हमारा है, वो आनंद प्रभु सबको देना चाहते हैं। यदि आप में से कोई अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं, ये निर्णय नहीं लिए हैं, आज प्रभु चाहते हैं, आपके दिल के दरवाजे को खटखटाकर कह रहे हैं हे मेरे बेटे, हे मेरे भाई, हे मेरे प्रिय, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी, अपना जीवन तू मुझको दे, मैं तुझको अनंत जीवन देना चाहता हूं। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, ताकि हम उसकी आवाज को सुने। यदि प्रभु ने आपके हृदय से बातें की है, आज आप एक निर्णय लेकर यहां से जाइए। आज का दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा, बल्कि इस दुनिया में सबसे आशीषित दिन हो जाएगा, क्योंकि प्रभु कहता है आज ही वो उद्धार का दिन है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम एक अच्छा निर्णय लें। अब आपके हाथ में निर्णय है, आप उसको लेना चाहते हैं, प्रभु को ठुकराना चाहते हैं और उस अनंत नर की आग को चुनना चाहते हैं, या उस प्रभु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, उस पर विश्वास करना चाहते हैं कि वो प्रभु मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए गया है और मुझको लेने के लिए एक दिन आएगा। यदि हम अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है अनंत जीवन तुम्हारा है, तू निश्चय उद्धार पाएगा। यदि तुम मुंह से प्रभु को यीशु को प्भु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या विश्वास करना है? परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिला दिया। वो एक जिंदा परमेश्वर है, वो अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में है, वो हमसे बातें कर रहा है, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है, और वो कहता है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुमको परमेश्वर, उस महान परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दूंगा। और इसलिए जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उस परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारने और अपनी चिंताओं को उसके सामने लाके रखने और उस पिता के प्रेम को, उस पिता की दया और करुणा को अपने जीवन में अनुभव करने का क्या ही धन्य सौभाग्य हमें मिलता है। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो। अभी भी मैं विनम्र विनती करता हूँ, यदि कोई भी यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों ने अभी तक अगर निर्णय नहीं लिया है, ये एक समय है, प्रभु आप लोगों की सहायता करे कि आप यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करें। प्रभु मेरे जीवन में आ, तू मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता बन जा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति। शुक्रिया भाई अतुल्य। प्रभु ने अपने दास को प्रभु का वचन शक्ति और सामर्थ्य के साथ हम सबको सुनाने में मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का भी शुक्रगुजार हूँ। आज इस सभा में ऐसे कई लोग हैं जिनके हृदय को प्रभु ने स्पर्श किया है, वे नया जीवन पाना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि क्या करें। ऐसे भाइयों और बहनों से मेरा अनुरोध है कि इस सभा के बाद भाई अतुल्य के पास व्यक्तिगत रूप से जाएं, भाई आपकी अगुवाई करेंगे, आपकी मदद करेंगे।